मध्य प्रदेश के सिगरौली माँ पति के करतूतन के पता चले के बाद एक पत्नी के द्वारा अपने पति के हत्या कई दिन के रही। बता दी कि सिगरौली माँ सराई पुलिस के द्वारा हत्या के खुलासा कई के जानकारी दिन गए, जहां बहु से अवैध संबंध और नातिन के ऊपर बुरी नीयत रखे वाले व्यक्ति के पत्नी के द्वारा अपने पति का मौत के घाट उतार दिन गया रहा। वंद क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे का सब जन इनका प्रणाम कही थे, शुरू करी थे बड़ी खबर से। बता दी कि सिगरौली माँ अपने रिश्ते का कलंकित करे वाले व्यक्ति के पत्नी के द्वारा होकर जान ले लीन गए। सराई थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास चौकी के गाँव में बीते 22 सितम्बर के रात में घर के बाहर सोए वाले अधेड़ के जान ले लीन गए रही। निवास पुलिस के द्वारा ये पूरे मामले का गंभीरता से लेके अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच हो जुटी। आखिरकार पुलिस के द्वारा हत्या की गुत्थी सुलझा लीन गए। मृतक की पत्नी अपन इन पति के हत्या करब स्वीकार करी। घटना के खुलासा कह के अधीक्षक निवेदिता गुप्ता के द्वारा बतावा गया कि 22 सितंबर का फरियादिया के द्वारा चौकी निवास आए कि अपने पति के अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या करे की जानकारी दी गई रही। मामला कायम कही के पीड़ित परिवार से घटना के संबंध में पूछताछ की गए। इस दौरान फरियादीन के द्वारा हत्या का करब कबूल किएगा। घटना के बारे में आरोपी महिला के मुताबिक पति बेटा के मौत के बाद से बहू का साथ लेके अलग रहा और अपने बहू से शादी करे के इच्छुक रहा, जबकि मना करे पर पति आए दिन अपने पत्नी के साथ मारपीट करत रहा। साथ ही साथ नातिन का स्कूल जाए से रोकत रहा और नातिन के ऊपर गलत नीयत रखा रहा, गलत संबंध का कायम करे के धमकी देत रहा और यही बात से परेशान हुई कि 21 सितंबर के रात जब पति गहरी नींद में सोएगा तो रात करीब 2 बजे कुल्हाड़ी मार कर पत्नी के द्वारा अपने पति का मौत के नींद सुलाए देगा। पत्नी के द्वारा अपने पति के सिर पर लगातार 8 से 10 वार किएंगे, जिसे मौके पर मौत हुई गई। घटना के खुलासा करके पुलिस के द्वारा आरोपी महिला का हिरासत में ले लेगा। यहाँ पे सजग रही, सतर्क रही, रखिए आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम। थोड़ा सा जो है सख्ती से पूछताछ करने पर बहुत देर तक जो है महिला ने गुमराह करने की कोशिश की। फिर थोड़ा सा बाकी की कहानियों को जोड़ते हुए पता चला कि मृतक की वाइफ ने ही उसको मार डाला है। कारण जो है, एक तो उसमें जो चाल चरित्र था काफी घटिया किस्म का था। वो जो है अपनी ही बहू के हवस का शिकार बनाना चाहता था और उस चक्कर में उसके बेटे ने भी शायद सुसाइड किया है, कुछ ऐसी कहानी पड़ोसियों ने बताई। और फिर अब अपनी नातिन जो उसकी, वो भी अभी एडोलसेंट ही है, उस पर निगाह रखने लगा था। जो इसकी वाइफ को जब पता चला तो वो कई दिनों से परेशान थी। काप ना संतान के सुख से वंचित है, बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा।